अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 5 समांतर श्रेणी। इससे पहले मैंने आपको मिसालें हल करवाई, डिफरेंस समांतर श्रेणी कैसी थी वो आपको समझाई। आज हम किताब का मिसाल नंबर उदाहरण नंबर यानी के साथ बे अंकनी के की संख्याओं तोन बड़े विभाजय हसे यानी के मिसाल नंबर 7 क्या है कि दो अदद की कौन से अदद जो तीन से तकसीम हो सकते हैं, लेकिन दो ही अदद होने चाहिए। कितने अदद होने चाहिए? दो अदद वाले, जिसमें दो अदद होए। 9, 6 ये सिर्फ एक अदद है। हमको कैसे अदद चाहिए जिसमें दो संख्या होए, दो अदद होए? तो हमको सबसे पहले समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी यानी कि हिसाबी तसावुत बनाना पड़ेगा। तो देखो, तीन तीय 9 लेते तो 9 तो एक अदद हुआ। 3 से 11 नहीं होता है, 12 होता है। 3 चौक 12। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 3 से तकसीम होने वाले अदद, तो क्या आएगा? सबसे पहले 12 विभाजय यानी कि तकसीम हो, या फिर मैं लिख देती हूँ 3 से तकसीम होने वाले अदद कितने होने चाहिए? दो अदद वाले होने चाहिए। तो सबसे पहले आएगा 3 चौक 12, 3 पंचे 15। ऐसे हमको अदद लेने के जो दो अदद में होए। इसके बाद कितना आएगा? 3 छक 18, 3 सात 21, लेकिन हम डॉट डॉट कर देंगे। और इसके बाद देखेंगे अगर हम 100 को देते तो 100 3 से तकसीम नहीं होता है, लेकिन 99 होगा तो हम यहाँ आके अटक जाएंगे। तो 12, 15, 18, 21, 24, तो डॉट डॉट करके मैं कितने लाऊंगी? 99, क्योंकि अगर मैं 100 के ऊपर जाती हूँ तो कितने अदद हो जाएंगे? वो दो होंगे। तो अब हमारे को समांतर श्रेणी मिल गई। अब हम समांतर श्रेणी के अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ए बराबर 12, डिफरेंस कितना लेने का है हमको? तो D इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था पहले ही, ए टू माइनस ए वन यानी कि 15 में से मैं 12 को माइनस करूंगी तो मेरे पास कितने बचेंगे? 15 माइनस 12 इक्वल कितने बचे? 3 बचे, डिफरेंस मेरा आ गया। अब मैं जाप्ता क्या रखूंगी? ए एन। अब हमारे को देखो कि मिल गया 99 यानी कि ए एन भी हमारे को दिया है। तो ए एन इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 99 छह लाद देने। ए एन का मतलब होता है छेलू पद यानी कि आखिरी रुकन। तब ए एन इज इक्वल टू जाता क्या है मेरा, याद है आपको? ए प्लस एन माइनस वन जरब डी। चलो ए एन कितना है मेरा? 99 है, इज इक्वल टू ए बराबर कितना है मेरे पास? 12 प्लस एन हमको तलाश करने का है क्योंकि हमको अंदर का एन दिया गया नहीं है। इससे पहले भी आप कंफ्यूज नहीं हो कि हम बाहर रखे या अंदर रखे, मैंने क्या था 11वां पद 10वां पद, तो ये जो होते हैं मुंह वाले ये अंदर का एन होता है, लेकिन जो आखिरी रूप में होता है वो हमारा क्या होएगा? ए एन। तो ए एन इज इक्वल टू छेलू पद यानी कि आखिरी रूप में एन माइनस वन डिफरेंस 3। 99 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 87। अब ये 2 इससे जरब देंगे प्लस 3n का 3n प्लस माइनस माइनस 3a का 3। चलो 87 में 3 को हम प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में ही रहेगा और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 87 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस होगा। 87 में 3 मिलाऊंगी तो मेरे कितने होंगे? 90 होंगे, इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, तो 3 3 9 0 का 0 यानी कि n इज इक्वल टू मेरे पास कितना जवाब आया? 30, ये मेरा जवाब आ गया यानी कि 3 से तकसीम होने वाले अदद कितने हैं? 30 है, कितने हैं? 30। वापस समझाती हूँ, बे अंकों की संख्याओं तौन बड़े विभाजय हैं से
जैसे बहुत से दाखले हो सकते, हो सकता मैं दे सकती हूँ कि बे अंकों ने अभी केवी केटली संख्या छे जो सात वड़े विभाजन हसे, कोई भी रकम, लेकिन हमारे को करते आना चाहिए। मेरे यहाँ आपको तीन दिया तो तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह, तीन छंग अठारह, डॉट डॉट करके मैं 99 भी तीन से तकसीम होता है। तो ए इज इक्वल टू मैंने 12 लिया, डी इज इक्वल टू 15 लिया, सॉरी 15 माइनस 12 लिया, यानी कि ए टू माइनस ए वन बराबर डिफरेंस कितना निकला, 3। हमको आखिरी रूप में दिया है ए एन इज इक्वल टू 99। जाता रखूंगी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यानी कि जरा डी ए एन आखिरी रूप में दिया है, ए बराबर 12 जमा का जमा एन माइनस वन और डिफरेंस 3। 12 99 में से 12 जाएंगे क्योंकि एज इक्वल टू हटता है तो मैंने क्या बताया था माइनस होता है, तो 99 में से 12 को माइनस करूंगी तो 87 बचेगा, प्लस का प्लस, इसको इससे मैंने जरब दिया तो 3 है, प्लस माइनस माइनस तो 3 है का 3, 87 में 3 प्लस करूंगी तो 90 होगा, इज इक्वल टू 3n, तो n इज इक्वल टू 90 अपॉन 3, 3 को 90 से मैं तकसीम दूंगी तो मेरा जवाब कितना आएगा, 30 आएगा। अब इसके बाद की मिसाल हम देखेंगे, मिसाल नंबर 8। चलो मिसाल नंबर 8, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 मां छेले थी प्रथम पद तरफ 11वां पद शोधो। अखा दाखला कैसा है, ऊंधे से सीधे आएंगे हम तो दाखला हो सकता है, ये इजी रीत है। तो देखो मैं सबको आसानी रीत बताती हूँ कि पहले हम यहाँ पर देख लेंगे डिफरेंस के 7 में से 10 जाएंगे तो मेरा जवाब कितना आएगा, माइनस 3। लेकिन हम दाखले को उल्टा करेंगे, क्या यहाँ पर दे दी, देखो छेले थी प्रथम पद, दाखला यहाँ से भी हो सकता है और वहाँ से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से हम करेंगे तो उसकी रीत लंबी है, मैं आपको शॉर्ट रीत बताती हूँ। तो हम अभी तक a बराबर 10 मानते थे, लेकिन अब मैं a बराबर क्या मानूंगी, माइनस 10, सॉरी 62। तो a इज इक्वल टू माइनस 62। अब हमको डिफरेंस मालूम करना है, तो डिफरेंस याद रखने का है कि हम जब दाखला ये छेले वाला जितने भी दाखले आएंगे छेले थी प्रथम पद वाला, तो हम दाखले को उल्टी रीत से करेंगे, लेकिन जो हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि 7 में से 10 जाएंगे तो मेरा जवाब क्या आता है, माइनस 3। लेकिन अगर माइनस हो तो हम यहाँ क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे। तो 7 में से 10 जाएंगे तो कितने बचते, माइनस 3 बचते। लेकिन मैं उल्टा दाखला करती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर क्या रखूंगी, प्लस 3 रखूंगी। हो गया। अब देखो 11वां पद आया, मुँह वाला आया दाखला, सूत्र क्या रखूंगी मैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए बराबर कितने रखूंगी मैं, ए बराबर कितने रखूंगी, माइनस 62 प्लस एन हमको दिया है। अब भी इससे पहले मैं आपको बता चुकी कि मुंह वाले के अंदर का एन होता है, तो 11 माइनस ए डिफरेंस कितने का है, 3 का। चलो माइनस 62 का 62 प्लस का प्लस, 11 में से एक गया तो कितने बचे, 10 बचे। 10 को 30 से माइनस, 10 को 30 से दो 3 से दो, कितना जवाब आया मेरा, 30 आया। लेकिन मेरी मोटी संख्या 11 है इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, प्लस रखूँगी। तो 62 में से माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है। तो 62 में से 30 को हम माइनस करेंगे तो कितने बचते, 2 में से 2 गए तो 0 गए तो 2, 6 में से 3 जाएंगे तो 2, कितने बचे मेरे पास, 32। लेकिन मोटी संख्या मेरी 62 है तो इसलिए मैं जवाब में क्या रखूंगी, माइनस 62, यानी कि मेरा 11वां पद कौन सा होगा, 32। ये इजी है, लेकिन मैंने दाखला किससे करा, ऊंधे उल्टी रीत से करा। अभी तक हम ए बराबर 10 लेते थे, लेकिन वहां पर मेरे को ऑलरेडी सवाल में दिया है छेलने थी प्रथम पद,
सवाल में देखना है कि अगर छेद लेती प्रथम पद हमको दिया हो प्रथम पद की तरफ, तो हम दाखले को किस कौन सी रीत से करेंगे? उल्टी रीत से करेंगे। जो हम एक को दस, दस को ए मानते थे, तो उसकी जगह पर हम किसको मानेंगे? बासठ को। कोई भी रकम हो सकती है वहाँ, ए बराबर माइनस बासठ। लेकिन हम डिफरेंस जो काटेंगे वो आगे का काटेंगे के साथ में से दस जाएंगे, यानी कि ए टू माइनस ए वन। अगर हमारा जवाब माइनस में होता है तो हम जवाब दाखले में क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। लेकिन हमारा जवाब प्लस में होता है तो हम क्या रखेंगे? माइनस। इतना आपको याद रखना है। और अज्ञानमु पद है इसलिए मैंने सूत्र एन वाला लगाया, और देखो अज्ञानमु आया तो अंदर का एन रखा, ए बराबर माइनस बासठ प्लस का प्लस, एन इज इक्वल टू ग्यारह माइनस एक, डिफरेंस मेरा तीन, माइनस बासठ का बासठ, ग्यारह में से एक जाएंगे तो दस बचेगा, और दस को मैंने तीन से जरब दिया तो तीस आए, माइनस प्लस माइनस होगा, बासठ में से मैंने तीस को यहाँ पर माइनस किया था तो मेरा जवाब कितना आया? बत्तीस आया। मोटी संख्या मेरे पास 62 है इसलिए मैंने वहाँ पर काय का संकेत रखा? माइनस का।